क्या आप अपने फेसबुक के पुराने अकाउंट को खोलना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि फेसबुक का पुराना अकाउंट को कैसे रिकवर कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप अपने फेसबुक ऐप को ओपन कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पेज पे आ जाना है। इस तरह से जैसे ही आप लॉगिन पेज पे आ जाएंगे, अब यहाँ से आपको अकाउंट को खोज लेना है। सबसे पहले अकाउंट को खोजने के लिए यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा, फॉरगेट पासवर्ड, देख सकते हैं यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह से एक ऑप्शन खुल करके आएगा, फाइंड योर अकाउंट का ऑप्शन, देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से सर्च कर सकते हैं। अगर आप अपना अकाउंट जो है वो मोबाइल नंबर से बनाए थे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, और अगर आप ईमेल आईडी से आप अपना फेसबुक का अकाउंट बनाए थे तो यहाँ पर ईमेल आईडी पे क्लिक करके ईमेल आईडी डालेंगे। अब बेसिकली लगभग 90% लोग जो है वो अपने मोबाइल नंबर से ही फेसबुक आईडी बनाते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके पास नंबर होंगे, जितने भी आपके घर में नंबर होंगे, वो सारे नंबर से आप एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। जो भी नंबर से आपका फेसबुक का पुराना अकाउंट बना होगा, उस नंबर से आपका जो है पुराना अकाउंट मिल जाएगा। चलिए हम अपना फेसबुक का एक पुराना जो नंबर है उसको हम डाल के देखते हैं, ठीक है। नंबर डालने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर इस नंबर से वो अकाउंट मिल जाएगा तो बना होगा तो वो अकाउंट मिल जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है वो मिल चुका है। इस नंबर से दो अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, दो अकाउंट यहाँ पर बना हुआ है। अब इसमें से जो भी आपको अकाउंट को खोलना है उस अकाउंट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये इस तरह से कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये हमसे एक OTP आएगा या फिर कॉल आएगा और ये ऑटोमेटिक जो है वेरीफाई कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर एक OTP आएगा या फिर कॉल और ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा। अब ये हमसे बोल रहा है नया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए, तो चलिए यहाँ पर आप अपना नया पासवर्ड बना लीजिए। नया पासवर्ड बनाने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद अब आपका जो फेसबुक अकाउंट है पुराना वाला वो लॉगिन हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है हमारा अकाउंट जो है पुराना वाला वो लॉगिन हो चुका है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन होना शुरू हो जाएगा और जो भी हमारा पुराना अकाउंट था वो रिकवर हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर। यही हमारा पुराना अकाउंट था जिसको हम रिकवर करना चाह रहे थे। तो इसी तरह से आप भी अपने फेसबुक के पुराने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं बड़े ही आसानी से।